नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स, आपके साथ मैं हूं अंकित प्रमोद। तो आईपीएल का ऑक्शन जैसा कि सभी को पता है कि बहुत जल्द होने वाला है, लेकिन आईपीएल से पहले हम ऐसी तीन तारीख आपको बताने वाले हैं जो काफ़ी अहम होने वाली है। ये तीन तारीख पे सभी टीमों की निगाहें होगी, चाहे वो एमएस धोनी हो, चाहे वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, या फिर लोकेश राहुल जो किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान हैं। सभी फ्रेंचाइजी, सभी टीम और उनके कप्तान की निगाहें जो है वो इस तीन दिन पर होने वाली है। सबसे पहली तारीख की अगर बात करें तो 11 फरवरी। 11 फरवरी इसलिए खास है क्योंकि इस दिन जो है ट्रेड विंडो बंद हो जाएगी, यानी कि आईपीएल की ट्रेड विंडो जिसके तहत किसी भी खिलाड़ी को एक टीम से दूसरी टीम में ख़रीदा जाता है, वो सारी प्रतिक्रियाएँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि कोई भी टीम जो है वो दूसरी टीम के खिलाड़ी को नहीं खरीद पाएगी। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स के रोबन उथप्पा को अपनी टीम में शामिल किया था। वहीं आरसीबी ने भी दिल्ली कैपिटल्स के दो खिलाड़ी यानी कि डैनियल सैम्स और हर्षल पटेल को अपनी टीम में ट्रेड किया था। तो ऐसे में 11 फरवरी के बाद जो है वो ट्रेड विंडो बंद हो जाएगी, उसके बाद कोई भी टीम जो है दूसरी फ्रेंचाइजी से किसी खिलाड़ी को नहीं खरीद पाएगी। तो ये थी आपकी पहली डेट। दूसरी तारीख और दिन की बात करें तो ये है 13 फरवरी यानी कि शनिवार। 13 फरवरी को जो है सभी खिलाड़ियों को अपनी अवेबिलिटी बतानी है, उपस्थिति बतानी है कि वो उपस्थित हो पाएंगे इस आईपीएल में, वो खेल पाएंगे नीलामी में या नहीं खेल पाएंगे, तो उसके बारे में भी जानकारी देनी है। तो 13 फरवरी के बाद से कोई भी खिलाड़ी ये नहीं बता पाएगा कि वो खेलना चाहता है या वो नीलामी का हिस्सा होना चाहता है, यानी कि 13 फरवरी जो है उस पे सभी खिलाड़ियों को अपनी रजामंदी देनी होगी कि वो आईपीएल में रहेंगे और साथ ही साथ वो आईपीएल की नीलामी का भी हिस्सा होंगे और आईपीएल खेलेंगे। इसके बाद ही टीम जो है जितनी भी 8 फ्रेंचाइजी है वो अपनी एक लिस्ट तैयार कर पाएगी कि किस खिलाड़ी को अपनी टीम में ऑक्शन में शामिल करना है। तीसरा दिन और ख़ास दिन है 18 फरवरी, जिस दिन ऑक्शन होने वाला है, गुरुवार का ये दिन होगा। उस दिन चेन्नई में आईपीएल 2021 के लिए मिनी ऑक्शन होने वाला है। मिनी ऑक्शन किस लिए? क्योंकि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि इस साल 8 टीमें खेलने वाली है, 10 टीमें जो है वो 2022 के आईपीएल में खेलेगी, तो इसलिए अभी जो मिनी ऑक्शन है उस पर काफ़ी टीमें ध्यान देगी। यानी कि 11 तारीख को जो है 11 फरवरी को ट्रेड विंडो बंद हो जाएगा, 13 तारीख को जो है वो सभी टीमों को पता लग जाएगा कि कौन सा खिलाड़ी नीलामी में शामिल होने वाले, जिसके बाद वो लिस्ट तैयार करेंगे, और 18 फरवरी यानी कि ऑक्शन का दिन, उस दिन सभी टीमें तय हो जाएगी कि कौन सा खिलाड़ी किस टीम में शामिल हुआ है, यानी कि मैक्सवेल हो गए, स्टीव स्मिथ हो गए, एरन फिंच, मिचेल स्टार्क, तमाम बड़े गेंदबाज या बल्लेबाज जो भी हैं उन पर फैसला 18 फरवरी को हो जाएगा। उसी दिन ये भी पता लगेगा किस खिलाड़ी को कौन सी टीम मिली, किस खिलाड़ी को नई टीम मिली और कौन से खिलाड़ी जो है वो अनसोल्ड भी रह गए हैं, यानी कि 11, 13 और 18 आईपीएल के लिए काफ़ी खास होने वाली है। दोस्तों, आईपीएल से रिलेटेड आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय लिख सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि किन खिलाड़ी को किस टीम में जाना चाहिए, तो उस पर भी हम लोग अपने लाइव शो के दौरान डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी इंग्लैंड और भारत की सीरीज आने वाली है, उसकी अपडेट के लिए भी आप एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।